Hello students, welcome all of you once again at our online YouTube channel. Myself Anand Mishra, and today we are going to start a topic that is electric cell. तो आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग वैद्युत सेल या इलेक्ट्रिक सेल को स्टार्ट करने वाले हैं. तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक सेल या इलेक्ट्रिक सेल से आप क्या समझते हैं. एक्चुअली इलेक्ट्रिक सेल इज अ इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ये जो इलेक्ट्रिक सेल है ये क्या करता है, ये आपका जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में. हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो इसी डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल. एक बार फिर सुन लेंगे, इलेक्ट्रिक सेल इज अ इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी. तो ये तो आपका सेल रहा. यहाँ पे सेल के वर्किंग देखिए, आपको थोड़ा सा सेल का कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे समझना पड़ेगा. आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन सेल का कंस्ट्रक्शन समझने के लिए समझने से क्या होगा कि बाकी की चीजें आपके लिए थोड़ी सी सिंपल हो जाएंगी. तो चलिए देख लेते हैं. इलेक्ट्रिक सेल इज कंसिस्ट ऑफ टू रॉड्स डीप्ड इन अ सोल्यूशन विच आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन. एक्चुअली इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है कि यहाँ पर दो रॉड्स होती हैं. ये रॉड्स किसी भी मेटल की बनी होती हैं. तो यहाँ पर हम लोग ये दो रॉड्स ले लेते हैं. अब इन रॉड का जो सिलेक्शन होता है वो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे करते हैं. तो हम लोगों को यहाँ पे उतनी चीज़ें नहीं जाननी है. हमको केवल ये जानना है कि यहाँ पे दो मेटालिक रॉड्स होती हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में डीप कर देते हैं. इनको भरा गया होता है किसी इलेक्ट्रोलिटिक, मतलब इनको डुबोया गया होता है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में. ये आपका है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है जिसमें इन दोनों रॉड को डीप किया गया है. ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो फर्स्ट रॉड है, या फिर कह लीजिए कि विच रॉड हैव हायर पोटेंशियल एंड कनेक्टेड विद द पॉजिटिव सोर्स, या फिर कह लीजिए कि पॉजिटिव यहाँ पे सोर्स सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट होती है इसको, या पॉजिटिव प्लेट होती है इसको हम लोग एनोड के नाम से जानते हैं. फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको एनोड बोलते हैं. और जो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे कह लीजिए कि जो रॉड नेगेटिव पोटेंशियल पे होती है इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड. हम लोग इसको बोल सकते हैं कैथोड. तो एक प्लेट आपका एनोड है और दूसरी प्लेट जो है वो आपका कैथोड है. इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, इन दोनों को एक साथ में बोलना चाहें, तो इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड. हम लोग इनको कंबाइंड फॉर्म में बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड. ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है. ये जो पॉजिटिव प्लेट है उसको हम लोग एनोड और नेगेटिव प्लेट को हम लोग बोलते हैं कैथोड. ये नेगेटिव प्लेट है आपका, तो इसको हम लोग कैथोड यहाँ पे कंसिडर करेंगे. इनको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग इलेक्ट्रोड भी यहाँ पे बोल सकते हैं. तो होता क्या है कि व्हेन वी सप्लाई द इलेक्ट्रिक करंट इनटू द सेल, जब हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिक सेल यहाँ पे सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, डीसी करंट यहाँ पे सप्लाई करें लेट सपोज, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है इसका जो होता है वो इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन होता है. यानी कि ये जो यहाँ पे कह लीजिए कि इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आयनों में सेपरेट, पॉजिटिव या नेगेटिव आयनों में यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे. जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास इसमें जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हम मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कि हमारे पास H2SO4 यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यहां पे लिया गया. तो जैसे ही इलेक्ट्रिक यहां पे करंट फ्लो की जाएगी ये बन जाएगा H+ और SO4- यहां पे कह सकते हैं कि ये आयनों में विभक्त हो जाएगा. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2H+ और SO4- यहाँ पे ये मतलब कि दो आयनों में विभक्त हो जाएगा. अब जो पॉजिटिव आयन होगा, जो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के आयन क्रिएट हो गए यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के यानी कि H+ और SO4-, तो जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में पॉजिटिव नेगेटिव आयन क्रिएट हुए अब ये किधर जाएंगे, जो नेगेटिव आयन है वो यहाँ पे गैदर होगा यानी एनोड के नीचे, और जो पॉजिटिव आयन है ये कैथोड के नीचे गैदर होगा. तो जब तक हम इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें सप्लाई करते रहेंगे तब तक ये क्या होगा कि ऐसे डिसोसिएशन होता रहेगा और पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो है यहाँ पे गैदर होते रहेंगे. और जब ये कम्प्लीटली जो है वो डिसोशिएट हो जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि इस ये बैटरी जो है वो फुल्ली चार्ज हो गई है, या सेल जो है आपका वो चार्ज हो गया है. अब क्या होगा कि जैसे ही हम क्या करते हैं कि पावर सप्लाई कट ऑफ करते हैं और एक्सटर्नल सर्किट को यानी कि इनके टर्मिनल को जोड़ते हैं या कहीं पर पावर सप्लाई देते हैं, तो वैसे ही ये आयन क्या होते हैं, रिकम्बाइन. देखिए एनर्जी लगने पर ये आयन ब्रेक कर रहे थे, तो क्या होगा जब ये रिकम्बाइन होंगे तो एनर्जी को जनरेट करेंगे. एंड दिस केमिकल एनर्जी लीव एट द टर्मिनल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो यही केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल कर सकती है. यही रीजन है कि हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक सेल है वो डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में.
अब देखिए इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज की देखें तो केमिस्ट्री में जो एनोड या कैथोड का हम लोग सिलेक्शन करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेसिस पे करते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेसिस पे करने पर जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लोग एनोड और जहाँ पर रिडक्शन होगा वहाँ पर कैथोड टर्म यूज़ करते हैं। तो हो सकता है केमिस्ट्री में आपको नेगेटिव प्लेट को एनोड और पॉजिटिव प्लेट को कैथोड वहाँ पे मतलब मिल सकता है आपको। तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के आधार पे सेलेक्ट करते हैं। तो जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है वो जो होता है नेगेटिव प्लेट पर होगा तो हम लोग यहाँ पे इसको एनोड बोल देते हैं, और एनोड जो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है वहाँ पे रिडक्शन होगा तो इसको हम लोग कैथोड बोल देते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। लेकिन इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स द पॉजिटिव टर्मिनल और पॉजिटिव पोटेंशियल दोज इलेक्ट्रोड विच हैव द हाई पोटेंशियल आर पॉजिटिव पोटेंशियल आर कॉल्ड एज एनोड वाइल द नेगेटिव पोटेंशियल और लो पोटेंशियल आर कॉल्ड एज कैथोड। लेकिन हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको एनोड और कैथोड यानी कि पॉजिटिव वाले को एनोड और नेगेटिव वाले को कैथोड मानकर चलेंगे। चलिए ये तो बातें रही इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल। यहाँ पे देखेंगे हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल, या हम लोग लिख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। जो ये इलेक्ट्रिक सेल आप पढ़ रहे हैं ये कितने टाइप के होते हैं? तो द इलेक्ट्रिक सेल इज मेनली कैटेगराइज इंटू टू ग्रुप्स। द फर्स्ट इज प्राइमरी सेल, जो पहला ग्रुप यहाँ पे है वो है प्राइमरी सेल, और जो दूसरा है वो है सेकेंडरी सेल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल से आप क्या समझते हैं। एक्चुअली ऑल दोज सेल विच इज यूज्ड एट लीस्ट वन टाइम आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेल। तो हम लोग कहते हैं ऐसे सभी सेल जिनको हम केवल एक बार यूज कर सकते हैं। इट मीन्स दैट द केमिकल रिएक्शन इन द सेल इज नॉन रिवर्सिबल। ये नॉन रिवर्सिबल होते हैं इनमें केमिकल रिएक्शन, यानी कि अगर ये एक बार यूज कर लिए गए तो आप इसको दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉलो नहीं करेगा, यानी कि इसमें जो रिएक्शन होगा वो इरिवर्सिबल होगा। तो जब ये दोबारा से चार्ज नहीं होगा तो इसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑल दो सेल विच आर यूज ओनली वन टाइम आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेल, एंड इन द प्राइमरी सेल द केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज डेनियल सेल। आपका जो डेनियल सेल है, लेक्लांशे सेल है, या ड्राई सेल है, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं। ड्राई सेल जैसे आप लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, टॉर्च वगैरह में यूज़ करते हैं, घड़ी वगैरह में आप लोग इस्तेमाल करते हैं, वॉचेज़ में, तो वो सारे सेल जो हैं वो ड्राई सेल्स हैं। तो ये ड्राई सेल्स हुए या फिर डेनियल सेल हुआ, लेक्लांशे सेल हुआ, ये सब एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी सेल के, और इनको हम केवल एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। द नाउ द सेकेंड, यहां पे अगर हम सेकेंड की बात कर लें तो सेकेंड है आपका सेकेंडरी सेल। दूसरे सेल को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल। हम लोग यहां पे सेकेंडरी सेल के बारे में अगर बताना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल दोज टाइप ऑफ सेल इन विच द केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल, दैट इज दे आर यूज्ड इन मेनी टाइम्स। वो क्या कर सकते हैं कि बहुत टाइम में आप यूज़ कर सकते हैं इसको, तो ऐसे सेल को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेल, या द्वितीयक सेल भी इसको बोला जाता है। तो सीरीज बात है, इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब जैसे ही सेल क्या हुआ डिस्चार्ज हो गया, आप क्या करेंगे इसको फिर से चार्ज करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे सभी सेलों को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेल। अगर हम इसके एग्जांपल की बात कर लें तो एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं कि लेड एक्युमुलेटर, जो आपका सीसा संचायक सेल है लेड एक्युमुलेटर, या फिर आप लोग लिख सकते हैं कि एल्केन, या फिर एल्केलाइन एक्युमुलेटर, तो एल्केन यहाँ पर लिख सकते हैं एल्केन एक्युमुलेटर। तो जो एल्केन एक्युमुलेटर या फिर लेड एक्युमुलेटर है, यानी कि सीसा संचायक सेल, तो ये सभी सेल जैसे आप लोग घरों में जो बैटरी इस्तेमाल वगैरह करते हैं तो वो जो है वो सेकेंडरी सेल्स हैं। तो ये तो सारी बातें रहीं कि मतलब सेल क्या होते हैं, सेल का टाइप क्या होता है, सेल का हमने यहाँ पे वर्किंग पढ़ा, इसके टाइप्स देखे हमने कि देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। तो उम्मीद करते हैं कि सेल से रिलेटेड ये सारे टर्म्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।